जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ मैं जानता हूँ वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं। ये कोशिश मैं सिर्फ कमला देवी और रतन कुमारी के तहफ्फुज़ की खातिर कर रहा हूँ। सांवल जब खामोश हुआ तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में आसिफ खान बोल पड़ा, सांवलदास इस सिलसिले में तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही अपने सारे सालारों और लश्करियों को समझा चुका हूँ कि जब हम रानी दुर्गावती से टकराएंगे उसके खिलाफ हमें कामयाबी नसीब हो तो हर सूरत में तुमने दो लड़कियों कमला देवी और रतन कुमारी की हिफाजत करनी है और उन्हें आफियत के साथ मेरे पास लेकर आना है। मैं जानता हूं कि उसका एक मामू देहली में है और एक आप हैं। इन दोनों से मुतालिक आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर सूरत में उनकी हिफाजत का इंतजाम किया जाएगा। ताहम चूंकि आपने इस सिलसिले में शहंशाह से गुफ्तगू कर ली है लिहाजा मैं आदिल और उसके लश्करियों को लेकर जाता हूँ। आप सीधा आगे चूड़गढ़ की तरफ निकल जाए, इस सिलसिले में रानी से बात करें और जो फैसला वो करती है उससे आकर हमें आगाह करें और उसकी रोशनी में हम अगला कदम उठाएंगे। सांवलदास और उसके बेटे चंद्रसेन ने आसिफ खान की इस गुफ्तगू को पसंद किया था, लिहाजा इजाजत लेकर वो उसी वक्त अपने घोड़ों पर सवार हुए और चूड़गढ़ की तरफ निकल गए। जबकि आसिफ खान और वजीर खान अपने दीगर साथियों के साथ आदिल खान और उसके लश्करियों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। मानकपुर में चंद दिन क्याम के बाद आदिल खान अपने भाई आसिफ खान और वजीर खान के साथ उस लश्कर का जायजा लेने के लिए निकला जो उन दोनों भाइयों ने मानकपुर में तैयार किया था और जिसके साथ वो रानी दुर्गावती पर जरब लगाना चाहते थे। तीनों भाई उस लश्कर का जायजा लेने के बाद जब वहां से हटना ही चाहते थे कि उनके सामने एक तरफ से सांवलदास और चंद्रसेन दोनों बाप बेटा आते दिखाई दिए। करीब आकर वो दोनों घोड़ों से उतरे, सबसे पुरजोश मुसाफा किया, फिर सांवलदास आसिफ खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम दोनों बाप बेटा पहले शहर में दाखिल होने लगे थे लेकिन जब पता चला कि आप लोग लश्कर का जायजा ले रहे हैं लिहाजा हम इस समत निकल आए। यहां तक कहने के बाद सांवलदास रुका, दम लिया। इस मौके पर आसिफ खान उसे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि सांवलदास फिर बोल पड़ा, मैं जिस मकसद के लिए रानी दुर्गावती की तरफ गया था उसमें यूं जाने मुझे और मेरे बेटे को इंतहाई बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। मैं और मेरे बेटे ने भी दुर्गावती को समझाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो बड़ी हठधर्म और जिद्दी औरत है। मैंने उससे कहा कि अगर वो सुलह सफाई से मामला तय कर ले तो रियासत पर हुकूमत उसकी रहेगी, सारे इलाके को मुगलों की सल्तनत में समझा जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद मैंने उससे ये भी इल्तजा की कि अगर तुमने मुगलों के लश्कर से टकराना ही है तो फिर अपनी बहन कमला देवी, मेरी भांजी रतन कुमारी और अपने इकलौते बेटे नारायण ही को मेरे साथ भेज दो ताकि कम से कम वो जंग में तो महफूज रहें। मेरी इस पेशकश पर रानी दुर्गावती और ज्यादा भड़क उठी और कहने लगी कि जहां तक कमला देवी का ताल्लुक है तो वो उसकी बहन है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। रतन कुमारी से मुतालिक वो कहने लगी कि रतन कुमारी बेशक मेरी भांजी है पर इससे पहले वो उसकी भतीजी है, लिहाजा वो भी मेरे साथ नहीं जाएगी। बस यूं जानो जिस मकसद के तहत हमने चूड़गढ़ का रुख किया था उसमें हमें नाकामी हुई है। अब आपका जो जी चाहे करें लेकिन इस मौके पर मेरी और मेरे बेटे चंद्रसेन की इल्तमास ये है कि जो लश्कर आप लेकर दुर्गावती पर हमलावर होने के लिए निकलें उस लश्कर में हम दोनों बाप बेटा भी शामिल होंगे ताकि हम कम अज कम आपके साथ मिलकर कमला देवी और रतन कुमारी को तो वहां से हिफाजत से निकालने में कामयाब हो जाएं। आसिफ खान ने इस मौके पर सवालिया अंदाज में आदिल खान की तरफ देखा, फिर आदिल खान सांवलदास की तरफ देख कर कहने लगा, आप दोनों को इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा लश्कर जब यहाँ से कूच करेगा तो आप दोनों लश्कर में शामिल होंगे। रतन कुमारी और कमला देवी से मुतालिक आप बेफिक्र रहें, उनकी हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम किया जाएगा। सांवलदास और चंद्रसेन दोनों मुतमईन हो गए थे, फिर वो सब के साथ शहर की तरफ जा रहे थे। अपनी तैयारी करने के बाद आसिफ खान, आदिल खान और वजीर खान तीनों भाई अपना लश्कर लेकर मानकपुर से निकले और रानी दुर्गावती के मरकजी शहर चूड़गढ़ का रुख किया। दोनों तरफ रानी के मुखबिरों ने भी उसे इत्तला कर दी थी कि मानकपुर का हाकिम आसिफ खान अपने भाइयों के साथ उस पर हमलावर होने के लिए कूच कर चुका है। इस सूरतहाल से निमटने के लिए रानी भी अपने लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर चूड़गढ़ से निकली और दम्बवा के तारीखी मैदानों में उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। ये वही मैदान थे जिसके अंदर इससे पहले रानी दुर्गावती बाज बहादुर को बदतरीन शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर चुकी थी और रानी का ये भी गुमान था कि दम्बवा के मैदानों में उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वो इन मैदानों को अपने लिए कामयाबी और कामरानी का मैदान ख्याल किया करती थी, चुनाचे इन्हीं मैदानों के अंदर उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। चंद दिन के बाद आसिफ खान, वजीर खान और आदिल खान भी वहां पहुंच गए और अपने लश्कर के साथ उन्होंने रानी दुर्गावती के लश्कर के सामने पड़ाव किया था।
जिस रोज दोनों लश्करों ने आपस में टकराना था, सुबह सवेरे ही रानी दुर्गावती के लश्कर में हलचल मच गई थी। दरअसल दुर्गावती ने हमला आवर होने में पहल करने का इरादा कर लिया था। आसिफ खान और आदिल खान के मुखबिरों ने भी उन्हें इत्तला कर दी थी कि रानी आज जंग की इब्तदा करेगी और अपने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम करेगी। एक हिस्सा अपनी कमानदारी में रखेगी और खुद वस्ती हिस्से में रहेगी। दूसरा हिस्सा अपने सालार संसार सिंह की कमानदारी में देगी और तीसरे लश्कर की कमानदारी कीदार सिंह करेगा। यही कीदार सिंह आसिफ खान और आदिल खान के बाप के कत्ल का जिम्मेदार था। ये खबर मिलने के बाद आसिफ खान और आदिल खान ने भी अपने लश्कर को सफे दुरुस्त करने और अपनी तरतीब दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया था। इस मौके पर आसिफ खान अपने छोटे भाई आदिल खान को मुखातिब करके कहने लगा, अब जबकि रानी दुर्गावती अपने लश्कर के तीन हिस्से करके हम पर हमलावर होना चाहती है, तो कहो मेरे भाई, तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? जवाब में आदिल खान मुस्कुराया और कहने लगा, दुर्गावती को आप मेरे हवाले कर दें। मेरे खुदावंद ने चाहा तो मैं इसका अंजाम दमवा के इन मैदानों में वैसा ही करूंगा जैसा मैंने इससे पहले पानीपत के मैदानों में हिमो बकाल का किया था। लश्कर के बाकी दो हिस्सों में से एक आप अपनी कमानदारी में ले लें। वजीर खान को अपने साथ रखें, इसलिए कि मैं समझता हूँ उसको जंग का कोई तजुर्बा नहीं है। आपके साथ रहते हुए ये कुछ सीखेगा। लश्कर के तीसरे हिस्से की कमानदारी अपने किसी सालार को सौंप दें। मुझे उम्मीद है कि रानी दुर्गावती के खिलाफ हम ही कामयाब रहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद आदिल खान रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर दुर्गावती अपने वस्ती हिस्से के साथ जंग की इब्तदा करती है तो आपको और आपके सालार को चाहिए कि बिल्कुल मुतमईन रहें। इस मौके पर मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुर्गावती से टकराऊंगा। आप और आपके सालार का काम यह होगा कि दुर्गावती के लश्कर के पहलुओं को संभाल रखें और उन पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मैं दुर्गावती के लश्कर पर हमलावर होने के साथ साथ रानी दुर्गावती पर निगाह रखूंगा कि वो कहां और किस जगह है। जो ही वो मेरे तीरों की जद में आई, मैं हिमो बकाल की तरह उसे भी एक आंख से महरूम करूंगा और रानी दुर्गावती के पास शिकस्त तस्लीम करने और मैदान जंग छोड़कर भाग निकलने के अलावा कोई चारेकार ही नहीं रहेगा। आसिफ खान ने अपने भाई आदिल खान की इस गुफ्तगू को पसंद किया था, फिर कहने लगा, वजीर खान की तुम फिक्र ना करो, उसके साथ तो मैंने पहले ही इस मौजू पर गुफ्तगू की हुई है। ये मेरे मातहत मेरे नायब की हैसियत से काम करेगा, इसलिए कि इसे पहले जंगों में हिस्सा लेने का कोई तजर्बा नहीं है। लश्कर के तीसरे हिस्से की कमानदारी मैं मानकपुर के एक अच्छे और तरबियत याफ्ता सालार के सपुर्द करूंगा और मेरे खुदावंद ने चाहा तो वो हमारी मंशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक दुश्मन पर जरब लगाएगा। आसिफ खान की इस गुफ्तगू का जवाब आदिल खान देना ही चाहता था कि खामोश रहा, इसलिए कि रानी दुर्गावती के लश्कर के अंदर बड़े बड़े ढोल और नफीरियां बजने लगे थीं, जिसका मतलब यह था कि रानी जंग की इब्तदा करने लगी है। इस पर आसिफ खान और आदिल खान भी वहां से हटकर अपने हिस्से के लश्कर के सामने चले गए। तीसरे हिस्से की कमानदारी आसिफ खान के एक सालार ने संभाल ली थी। इस तरह दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे पर जरब लगाने के लिए तैयार और मुस्तैद हो गए थे। आखिर हमले की इब्तदा रानी दुर्गावती ने ही की। अपने लश्कर के वस्ती हिस्से को सबसे पहले मौत के आंचल बखेरती होलनाक नादीदा आग की तरह आगे बढ़ाया, फिर वो तहजीबों के विरसे का जिगर चीरती वसवसों की दास्तानों, जिल्लत के बहरान और बेखबर अलमिये खड़ी करते रंजो गम के बहरान की तरह उस लश्कर पर हमलावर हुई थी जिसकी कमानदारी आदिल खान कर रहा था। हमले की इब्तदा करके रानी दुर्गावती ने गोया बेदर्द सिमतों की सलीब खड़ी करते हुए कोरे कागज पर बदी की पहली लकीर और इंसानियत की शिरियानों में पहली खराश खींचने की इब्तदा कर दी थी। रानी दुर्गावती को मालूम था कि दुश्मन के लश्कर के वस्ती हिस्से की कमानदारी आदिल खान कर रहा है। उसका गुमान था कि आदिल खान उसके मुकाबले में बच्चा है, उसके हाथों का पला हुआ है, वो उसका क्या मुकाबला करेगा। लेकिन आदिल खान अब वो आदिल खान तो नहीं रहा था। वो भी बगुले से तूफान, नर्म झोंकों से बेरोक आंधी और धूप की तमाजत से आतिश फशानी लावे की सूरत धार चुका था। रानी ने जब उसके खिलाफ जंग की इब्तदा की, तब आदिल खान ने अपने पहले हिस्से के लश्कर के साथ कुव्वत के सारे करिश्मों, फिक्र की सारी उड़ानों को राख कर देने वाले अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उसके बाद अपने हिस्से के लश्कर के साथ वो दिल की तुगयानियों के वलवलों को मांद करते गर्दिश दहर के तूफानों, हयात की मशल बुझाते जवान जज्बों के खडर, सारे इरादों को वीराना कर देने वाले रुस्वाकुन दुख की मार की तरह दुर्गावती के लश्कर पर हमला आवर हो गया था। रानी के पीछे ही पीछे उसके लश्कर के दोनों हिस्से भी अपने काम की इब्तदा कर चुके थे और जवाब में आसिफ खान और उसके दूसरे हिस्से के सालार ने भी अपने काम की इब्तदा की और वो भी रानी के लश्कर के दोनों हिस्सों पर
तपते होंठों की तिश्नगी बढ़ाते उम्मीदों के रास्तों को लहू लहू जात की तहों में दर्दो कर्ब के पैबंद लगाती पुरानी अजियत भरी कथाओं की तरह टूट पड़े। दोनों तरफ के लश्करी बेमंजिल उड़ानों के परिंदों की तरह एक दूसरे पर नुजूल करने लगे थे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तेगजन, बड़े बड़े जमा मर्द और अपने आप को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करने वाले शमशीर जनों के बदन ख्वाबों की तरह पारा पारा होना शुरू हो गए थे। दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से चेहरे लहू लहू, रूहों के जज्बों, दिल के नेहा खानों में लहू की हरारत भाप बनना शुरू हो गई थी। मैदान जंग में 400 हिजर की तलखियां घोलते लम्हों के तूफानों और जहर आगी तलखियां नाच उठी थी। रानी दुर्गावती अपनी पूरी हौलनाकी और अपनी पूरी हुनरमंदी से हमलावर हो रही थी। वो हर सूरत में अपनी कामयाबी और कामरानी को यकीनी बनाना चाहती थी। शुरू में जब उसने अपने हमलों की इब्तदा की थी तो उसके जहन में यही जनोगुमान था कि उसका टकराव आदिल खान से है, जो ज्यादा देर उसके सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन जब आदिल खान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रानी दुर्गावती के लश्कर की अगली सफों को बिसात की तरह समेट कर रख दिया, तब दुर्गावती को किसी कदर परेशानी लाहिक हुई। इसलिए कि आदिल खान के हमलावर होने का अंदाज उसकी उम्मीदों से कहीं बाला, उसके अंदाजों से कहीं अरफा था। दूसरी तरफ आदिल खान भी दुर्गावती के लश्करियों पर जरब लगाते हुए ताक में था और हीमो बकाल की तरह रानी दुर्गावती को भी अपने तीर का निशाना बनाना चाहता था और अपने लश्करियों के साथ दुश्मन पर जरब लगाने के साथ साथ वो इस ताक इस जस्तजू में भी था कि रानी दुर्गावती उसे कहीं दिखाई दे तो वो उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई की इब्तदा करे। आखिर जंग जब तूल पकड़ने लगी तो रानी को भी फिक्रमंदी हुई कि अगर जंग किसी तरह तूल पकड़ गई तो उसकी झोली उसके मुकद्दर में शिकस्त और हजीमत भी आ सकती है। लिहाजा इससे पहले जो वो अपने लश्करियों की कई सफों के पीछे थी और वहीं रहते हुए अपने लश्करियों को ललकार रही थी, अब जो उसने देखा कि दूर दूर तक कहीं कामयाबी की सूरत दिखाई नहीं देती, तब वो अपने घोड़े को एड़ लगाती हुई अगली सफों की तरफ आई और यहीं से रानी दुर्गावती की बदबख्ती की इब्तदा हो गई थी। पिछली सफों से आगे आकर तो रानी दुर्गावती ये चाहती थी कि जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाएगी और जब उसकी अगली सफों के लश्करी ये देखेंगे कि उनकी रानी अब अगली सफों में आकर दुश्मन के खिलाफ खुद भी जरब लगाना चाहती है तो वो ज्यादा जोश और जज्बे के साथ जंग करते हुए उसकी फतह को यकीनी बना देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आदिल खान भी रानी दुर्गावती ही की ताक में था। चुनाचे रानी को मजीद आगे लाने के लिए आदिल खान ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए अपने लश्करियों को पहले से भी ज्यादा होलनाक अंदाज में हमले करने का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलते ही उसके लश्करी बिफर गए थे और रानी दुर्गावती के लश्करियों को उन्होंने लपेट कर रख दिया था। ऐसी सूरत हाल में आदिल खान के अंदाजों के मुताबिक रानी मजीद कुछ आगे आई और अपने लश्करियों को ललकारते हुए उन्हें दुश्मन पर ज्यादा खौफनाक जरबें लगाने की तरगीब देने लगी थी। इस तरह रानी के मजीद कुछ आगे आने से रानी दुर्गावती आदिल खान के तीरों की जद में आ गई थी। ये देखते हुए आदिल खान ने अपने इर्द गिर्द अपने कुछ लश्करियों को मुस्तैद रहने का हुक्म दिया। साथ ही उसने अपनी जीन के साथ बंधी हुई एक काफी बड़ी और कड़ी कमान निकाली, अपने तरकश में से सबसे लंबा और कड़ा तीर निकाला और उसे कमान पर जमाया, शुस्त ली, सांस रोकी। इसके बाद जो उसने तीर चलाया तो उसका तीर सीधा जाके रानी दुर्गावती की आंख में लगा और सर के पिछले हिस्से से बाहर जा निकला। रानी दुर्गावती की हालत आदिल खान ने वही कर दी थी जो उसने पानीपत के मैदानों में हेमो बकाल की थी। आदिल खान ने यही बस न की, एक दूसरा तीर चिल्ले पर चढ़ाया और वो भी ताक कर चलाया। दूसरा तीर भी रानी के लगा। आदिल खान के इन दो तीरों ने रानी को नढाल कर दिया था। रानी के इर्द गिर्द जो लश्करी जंग कर रहे थे उन्होंने भी रानी की ये हालत देख ली थी और फिर आन की आन में रानी के जख्मी होने की ये खबर अतराफ में फैलना शुरू हो गई थी। चुनाचे रानी की इस हालत की वजह से उसके इर्द गिर्द लश्करियों के अलावा दूसरी तरफ के लश्करियों की हालत भी बड़ी तेजी से बदलना शुरू हो गई थी। जहां थोड़ी देर पहले रानी के लश्करी जोरदार अंदाज में जंग कर रहे थे, वहां अब रानी की हालत देखते हुए उनकी हालत बड़ी तेजी से मोहमल अल्फाज की दास्तानों, सिसकते तड़पते जज्बों, शबे हिजर के फैलते जहर, रात के वीरान गोशों और सदियों पुराने शिकस्ता किवाड़ों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ रानी को भी यकीन हो गया था कि दो तीर उसके लिए जानलेवा हो जाएंगे। वो जंग जारी नहीं रख सकेगी, उसे शिकस्त होगी और वो गिरफ्तार हो जाएगी।
लिहाजा उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इस बिना पर उसने अपना खंजर निकाला, अपने जिस्म पर उसने खंजर के दो वार किए और अपने आप का उसने खात्मा कर लिया था। मुर्रखीन तफसील से लिखते हैं कि रानी दुर्गावती को जब दो तीर लगे तो उसने खुद ही अपना खंजर निकाल कर खुद पर दो वार किए और अपना खात्मा कर लिया। रानी की इस हालत पर उसके लश्कर में चारों तरफ बददिली फैल गई और लश्करी पीछे हटने और सिमटने लगे। और जब आसिफ खान और आदिल खान की तरफ से जोरदार हमले शुरू हुए तब रानी के लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई। रानी का सेनापति संसार सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हो गया, बाकी को ताकुब करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाई फातेह की हैसियत से रियासत गोंडवाना के मरकजी शहर चूड़गढ़ में दाखिल हुए थे। आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाइयों ने जिस वक्त रानी दुर्गावती के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद भागने वाले लश्करियों का ताकुब किया तो इस ताकुब के दौरान रानी दुर्गावती का इकलौता बेटा बेर नारायण घोड़े से गिरा और पीछे से आने वाले घुड़सवारों के नीचे आकर कुचला मसला गया और मारा गया। सेनापति संसार सिंह अपने बचे कुचे लश्कर के साथ किसी तरह शहर में दाखिल हुआ था। पहले उसने राजमहल का रुख किया और रानी दुर्गावती की वसीयत के मुताबिक राजमहल में उस वक्त जिस कदर औरतें और रानी दुर्गावती के अजीज व अकारिब थे उन सबको नजर आतिश कर दिया गया था। कमला देवी और रतन कुमारी को चूंकि दुर्गावती की इस वसीयत का इल्म था कि शिकस्त की सूरत में सबको आग लगाकर उनका खात्मा कर दिया जाएगा, लिहाजा जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उसी वक्त वो राजमहल से निकलकर रूपोश हो गई थी। इस तरह दोनों संसार सिंह की गिरफ्त से निकलकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गई थी। दूसरी तरफ संसार सिंह राजमहल के सब लोगों को नजर आतिश करने के बाद चूड़गढ़ के दूसरे मुहाफिज रास्तों से अपने कुछ दस्तों को लेकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। इस तरह चूड़गढ़ पर आसिफ खान और आदिल खान का कब्जा हो गया था। रानी के खजाने में मालो दौलत, जवाहरात, सोने चांदी के अंबार थे जो उन दोनों भाइयों के हाथ लगे थे। जिस वक्त रानी दुर्गा के खजाने से हाथ आने वाली ये सारी चीजें एक जगह जमा की जा रही थी तब आसिफ खान अपने भाई आदिल खान को मुखातिब करके कहने लगा, आदिल खान तुम्हारे लिए अकबर का यही हुक्म है कि जो लश्कर तुम लेकर आए हो उसे वापस आगरा ले जाओ, लिहाजा जाते हुए तुम शहनशाह के लिए माले गनीमत का एक हिस्सा भी अपने साथ लेकर जाना। इस मौके पर घूरने के अंदाज में आदिल खान ने अपने बड़े भाई आसिफ खान की तरफ देखा फिर कहने लगा, शहनशाह के लिए आप किस कदर माले गनीमत भिजवा रहे हैं? आसिफ खान ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, 200 हाथी, कुछ सोना और चांदी। आसिफ खान के ये अल्फाज सुनकर आदिल खान के चेहरे पर बरहमी के आसार नमूदार हो गए थे। कुछ कहना चाहता था कि ऐन उसी लम्हे जो लश्करी आगरा से आदिल खान के साथ आए थे वो नमूदार हुए। उनके साथ कमला देवी और रतन कुमारी भी थी। गो रतन कुमारी और कमला देवी अब काफी बड़ी हो गई थी, ताहम आदिल खान और आसिफ खान दोनों ने उन्हें पहचान लिया। वो दोनों भी आसिफ और आदिल को पहचान चुकी थी, उन्हें अपने सामने देख कर उन्होंने खुशी का इजहार किया था। कमला देवी और रतन कुमारी जब आसिफ खान और आदिल खान के करीब आकर खड़ी हुई तब आसिफ खान ने उन लश्करियों को जो उन्हें लेकर आए थे मुखातिब करके कहना शुरू किया, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इन दोनों को मेरे पास लाए हो, ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं और इनकी हिफाजत हम पर फर्ज है। कमला और रतन कुमारी दोनों के लिए चूंकि वजीर खान तो अजनबी था उसे उन्होंने नहीं पहचाना था, ताहम कमला ने लम्हे भर के लिए गौर से आसिफ खान की तरफ देखा फिर कहने लगी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये आदिल हैं, वो बड़े हो गए हैं लेकिन मैं और रतन इन्हें पहचान सकती हैं। जवाब में आदिल खान मुस्कुरा रहा था, कुछ कहने ही लगा था कि आसिफ खान ने कमला देवी और रतन कुमारी की तरफ देखते हुए कहना शुरू कर दिया, मेरी अजीज बहनों, जंग से पहले मैंने अपने सारे लश्करियों और सालारों को हुक्म दे दिया था कि तुम दोनों का हर सूरत में तहफ्फुज़ किया जाए, जहाँ कहीं भी तुम मिलो इज्जत के साथ मेरे पास पहुँचा दिया जाए। तुमने बहुत अच्छा किया कि जंग के दौरान ही तुम दोनों राजमहल से निकल कर रूपोश हो गए, वरना राजमहल के अंदर जितने अफराद थे रानी दुर्गावती के हुक्म पर उसके सेनापति संसार सिंह ने सबको नजर आतिश कर दिया है। अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम रहना कहाँ पसंद करोगी। इस पर रतन कुमारी बोली और कहने लगी, हम दोनों की मुलाकात मेरे मामू सामलदास और मामूजाद चंद्रसेन से हो चुकी है, वो भी हमारे पीछे पीछे इधर ही आ रहे हैं, हम अब यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगी, दोनों आगरा जाएंगी और वहाँ कयाम करेंगी। इतनी देर तक एक तरफ से सामलदास और चंद्रसेन भी वहाँ आ गए, यहाँ तक कि आसिफ ने कमला देवी और रतन कुमारी की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अगर तुम दोनों बहनें यहाँ नहीं रहना चाहती, आगरा जाकर सामलदास के यहाँ रहना चाहती हो तो इस सिलसिले में तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आदिल खान एक लश्कर लेकर आगरा से आया हुआ है,
जो ही इसके कुछ लश्करी जो जख्मी हुए हैं वो तंदुरुस्त हो जाएंगे तो ये अपने हिस्से के लश्कर को लेकर आगरा चला जाएगा। तुम दोनों के अलावा तुम्हारे मामू और मामूजाद भी इसके साथ ही रवाना हो जाएंगे। साथ ही माले गनीमत में जो कुछ यहाँ से मिला है उसका एक हिस्सा भी आदिल खान शहनशाह के लिए लेता जाएगा।